हेलो बच्चों, कैसे हो? आई थिंक यू विल हैप्पी आफ्टर वॉचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग माय वीडियो लेक्चर्स। अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्वाड्रिलेटरल्स से रिलेटेड एक्सरसाइज 8.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था, जो कि एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक से लिया गया था। अब मैं उससे नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2, जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ली गई है, आपको सॉल्व कराऊंगा। उससे पहले मैं कुछ थ्योरम्स के बारे में बात करूंगा। बड़ी ही इम्पोर्टेंट थ्योरम जो क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉब्लम्स में अपना मेन रोल प्ले करती है, उसको बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। जैसे कि यहाँ पर एक ट्रेंगल है। ट्रेंगल की साइड ए बी ए सी दिखाई है मैंने। यहाँ पर साइड ए बी का मिड पॉइंट ई है और साइड ए सी का मिड पॉइंट एफ है। यदि हम दोनों मिड पॉइंट ई और एफ को जॉइन कर देते हैं तो लाइन ई एफ पैरेलल होती है बी सी के। लाइन ई एफ पैरेलल होती है बी सी के और लाइन ई एफ इक्वल टू 1/2 बी सी और एंगल ए ई एफ इक्वल टू एंगल ए बी सी। यहाँ पर मैंने ये बताया है। आप कोई भी ट्रेंगल बनाओ और उसकी दो साइड्स का मिड पॉइंटों को ज्वाइन करो और फिर एक्सपेरिमेंटली अगर आप मेजर करेंगे तो हर बार हर ट्रेंगल्स में आपको ये ही प्रूफ देखने को मिलेगा। पैरेलल लाइन इक्वल टू हाफ अनदर लाइन। पैरेलल लाइन ई एफ टू पैरेलल बी सी और ई एफ इक्वल टू 1/2 बी सी। अब हम ये देखेंगे कि बहुत बार स्कूल एग्जाम्स में इस थ्योरम का प्रूव आपसे पूछा जाता है, तो हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रेंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी कि ये जो जब हम दो मिड पॉइंटों को ज्वाइन करते हैं तो जो तीसरी लाइन बी सी है ई एफ के क्या है, पैरेलल है। ये मुझे क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है। और एक बोला है इसने ई एफ इक्वल टू 1/2 बी सी, तो मैं इसे प्रूव करने के लिए, तो बच्चों इसमें हमें क्या देखना है, ई एफ इक्वल टू बी सी कब प्रूव होगा? सबसे पहले ये प्रॉब्लम है, ये मैंने एक इसकी फिगर को कंस्ट्रक्ट किया है यहाँ पर, और ये देखना है कि मुझे क्या है ई एफ, यहाँ पर हमें ई एफ और बी सी को पैरेलल प्रूव करना है और ई एफ इक्वल टू 1/2 बी सी प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया, मैंने ई एफ के बराबर ही एक लाइन एफ डी बनाया, एफ डी को एक्सटेंड किया, ई एफ को एक्सटेंड किया मैंने डी तक और ए बी के पैरेलल एक लाइन सी डी कंस्ट्रक्ट किया। तो अगर मैं ई डी और बी सी को पैरेलल प्रूव कर दूं तो मैं कह सकता हूं बी सी डी ई क्या है, एक पैरेलोग्राम है और पैरेलोग्राम की क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और उसके बेस पर मैं इसको प्रूव कर सकता हूं। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर दो ट्रेंगल्स दिखाई दे रहे हैं आपको। कौन कौन से ट्रेंगल? एक तो ट्रेंगल ये ट्रेंगल और एक ट्रेंगल ये दिखाई दे रहा है आपको। तो हम लिखेंगे इन ट्रेंगल ए ई एफ एंड ट्रेंगल सी डी एफ, इसकी बात करेंगे। अगर हम इन ट्रेंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दें तो हम बोल सकते हैं उसके बेस पर हम ए ई और सी डी को क्या कर सकते हैं, प्रूफ इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। और हम
क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए इक्वल टू बी ई, तो बी ई इक्वल टू प्रूव हो जाएगा सी डी, तो हमारी अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल प्रूव हो सकती हैं। ठीक है, तो हम इसी बेस को लेकर कोशिश करते हैं ट्रायंगल ए ई एफ एंड ट्रायंगल सी डी एफ को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की। तो इसमें बच्चों क्या दिया, पहले लिखते गिवन क्या है इसमें, इस इन ट्रायंगल्स में, इस ट्रायंगल ए ई एफ और सी डी एफ में गिवन है हमारा ए एफ इक्वल टू सी एफ। क्यों, क्योंकि एफ इज द मिड पॉइंट, क्या है बच्चों, एफ इज द मिड पॉइंट ऑन लाइन ए सी। ये क्वेश्चन में क्या है, गिवन है क्वेश्चन में, यानी ये लाइन और ये लाइन क्या है, इक्वल है, और यहां पर देखोगे तो ये क्या अपोजिट वर्टिकल एंगल है, तो ये भी क्या इक्वल है, एंगल ए एफ ई इक्वल टू एंगल सी एफ डी, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है बच्चों, अभी हम क्या करेंगे, मैंने क्या करा था, ई एफ को एक्सटेंड किया है डी तक, और ये इसमें ध्यान रखा है कि ई एफ इक्वल टू एफ डी, तो हम लिख सकते हैं ई एफ इक्वल टू डी एफ, ये क्या है, बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन। तो बच्चों क्या हो गया इसमें, ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई और एंगल एंगल के इक्वल हो गया, तो यहां पर कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल फॉलो कर रहा है यहां पर, तो मैं बोल सकता हूं ट्रायंगल ए ई एफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी एफ किससे, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से हम बोल देते हैं ट्रायंगल ए ई एफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी एफ। अभी हम बच्चों ये कर सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या अल्टरनेटिव एंगल्स है, और बाई सी पी सी टी बोल सकता हूं मैं ट्रायंगल ई ए एफ इक्वल टू ट्रायंगल डी सी एफ बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या इक्वल हो गए, और अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, ये भी बाई सी पी सी टी से इक्वल हो जाएंगे, तो मैं ट्रायंगल ए ई एफ इक्वल टू ट्रायंगल सी डी एफ बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी से हो गया। और अभी मेरी साइड बची है, ये साइड बच गई, तो ये साइड और ये साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई बाई सी पी सी टी से, तो ए ई इक्वल टू सी डी बाई सी पी सी टी। ठीक है बच्चों, तो बाई सी पी सी टी से ये इक्वल हो गई। अब लाइन, अब मैं बोल सकता हूं ए इक्वल टू सी डी, तो मैं इससे बोल सकता हूं ई बी इक्वल टू सी डी, ई बी इक्वल टू सी डी, क्यों, क्योंकि एज ए ई इक्वल टू बी ई बी, तो अपोजिट लाइन क्या हो गई, अपोजिट लाइन हो गई इक्वल, अपोजिट लाइन क्या होगी बच्चों, इक्वल, अपोजिट लाइन इक्वल हो गई, तो मैं यहां से बोल सकता हूं, अगर मैं इसको लेता हूं इस इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, इक्वेशन वन से बोल सकता हूं मैं इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंगल ई ए एफ इक्वल टू एंगल डी सी एफ क्या है, अल्टरनेटिव एंगल्स, किस पर अल्टरनेटिव एंगल है, ट्रांसवर्सल ए सी, ट्रांसवर्सल ए सी, तो इसके बेस पर हम बोल सकते हैं, इसके बेस पर हम बोल सकते हैं ई ई डी पैरेलल बी सी।
अभी क्या आ गया, ई डी पैरेलल बी सी बेस्ड ऑन, ई डी पैरेलल बी सी एंड ई बी इक्वल टू सी डी, ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल बी सी डी ई इज ए पैरेललोग्राम, पैरेलोग्राम। जब पैरेलोग्राम हो गया तो पैरेलोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। पैरेलोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो मैं बोल सकता हूँ ई डी इक्वल टू बी सी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेलोग्राम। तो ई डी क्या है, ई डी दो पार्टों में डिवाइडेड है, ई एफ प्लस एफ डी इक्वल टू क्या बच्चों, बी सी, और ई एफ और एफ डी क्या है, इक्वल है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, टू ई एफ इक्वल टू बी सी, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा ई एफ इक्वल टू वन अपॉन टू बी सी। तो मेरा ये क्या प्रूफ हो गया, यानी कि ई एफ इक्वल टू वन अपॉन टू बी सी एंड ई एफ पैरेलल टू बी सी, ये मेरा यहाँ पर प्रूफ हो गया। तो इस तरह थ्योरम 8.8 जिसका नाम है मिड पॉइंट थ्योरम, ये कहती है कि जब हम किसी ट्रायंगल्स के मिड पॉइंट को, दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, तो वो जो साइड बनती है मिड पॉइंट से, वो इक्वल होती है तीसरी साइड के हाफ के, और दोनों साइड्स जो जॉइनिंग मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से बनती है, जो तीसरी साइड होती है, वो दोनों क्या होती है, पैरेलल होती है। ये मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। अगली थ्योरम है रिवर्स मिड पॉइंट थ्योरम, जो कि जस्ट अपोजिट है जो हमने इससे पहले थ्योरम करी है उससे। इसमें क्या बोलते हैं हम, थ्योरम 8.9 के नाम से एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक्स में दी गई है, द लाइन ड्रावन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनोदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो इसमें ये बताया बच्चों, अगर हम एक ट्रायंगल है कोई और उसकी एक साइड के मिड पॉइंट को दूसरी साइड से के किसी पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, तो जो वो लाइन बनती है, वो लाइन उस ट्रायंगल की तीसरी लाइन के पैरेलल होती है, और जो दूसरी साइड पर जो पॉइंट से हम ज्वाइन करते हैं, वो पॉइंट दूसरी साइड को भी क्या करता है, डिवाइड करता है दो पार्ट्सों में। यानी कि क्या कर सकते, प्रूव करना हमें, एफ इज द मिड पॉइंट ऑन ए सी, ये हमें करना है प्रूव, ये करना है प्रूव। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, पहले करते हैं हम कंस्ट्रक्ट, बाय कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन हम ऐसी कंस्ट्रक्शन करते हैं कि ई एफ को एक्सटेंड कर देते हैं डी तक, और ई एफ इक्वल टू क्या हो जाती है, एफ डी। ई एफ इक्वल टू क्या हो जाती है, एफ डी। तो हम इससे लिख सकते हैं, जब ई एफ पैरेलल टू बी सी है और ई एफ को ही हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं डी तक, तो हम बोल सकते हैं ई डी पैरेलल टू बी सी, क्योंकि बिकॉज ई एफ पैरेलल टू बी सी। ओके, जब ये पैरेलल हो गए, ये क्या हो गया, पैरेलल हो गई, और हम यहाँ लिख सकते हैं ये लाइन अब क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी, क्यों, बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर बी ई पैरेलल टू सी डी, क्योंकि ए ई इक्वल टू होती है बी ई, ये क्या गिवन है क्वेश्चन में, गिवन है। तो हमारे क्या है, दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, क्या है बच्चों, दोनों लाइन क्या हो है हमारी, पैरेलल है, और बी ई इक्वल टू सी डी, बी इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स
ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटर कौन सा, बी सी डी ई आर पैरेलल एंड इक्वल देन बी सी डी ई इज ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब हम लेते हैं, अब हम बढ़ते हैं किस पर, हमें प्रूफ क्या करना, ए एफ इक्वल टू बी सी। तो हमारे हम हमारे पास क्या है, हमारे पास है ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है, यानी कि एंगल ए एफ ई इक्वल टू एंगल सी एफ डी बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये क्या कर सकते हैं हम, ये क्या हो चुकी है हमारी, ये इक्वल इक्वल है, ए ई इक्वल टू सी डी, हम क्या कर चुके हैं, प्रूव्ड कर चुके हैं ऑलरेडी। और बाय कंस्ट्रक्शन ई एफ इक्वल टू क्या है, ई डी, ई एफ इक्वल टू ई डी, ई एफ, ई एफ इक्वल टू एफ डी, ये क्या है, बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन मैं ये कह चुका हूँ। तो ये साइड, तो ये इसमें क्या होगा, इसमें ये साइड और ये साइड, ए ई साइड इक्वल टू सी डी साइड, ई एफ साइड इक्वल टू एफ डी साइड, और एंगल ए एफ ई इक्वल टू एंगल सी डी एफ। तो क्या होगा इसमें, ए ए एस कॉन्ग्रेंस रूल फॉलो कर रहा, क्या कर रहा है बच्चों, ए ए एस कॉन्ग्रेंस रूल फॉलो कर रहा है। तो इस बेस पर मैं कह सकता हूँ ट्रायंगल ए ई डी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल सी एफ डी किससे, बाई ए ए एस कॉन्ग्रेंस रूल, बाई ए ए एस कॉन्ग्रेंस रूल से। तो बाई सी पी सी टी मैं कह सकता हूँ ए ए एफ इक्वल टू सी एफ किससे, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी से क्या हो गया, ए एफ इक्वल टू सी एफ। जब ए एफ इक्वल टू सी एफ है तो एफ, इसके बेस पर हम बोल सकते हैं एफ इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑन लाइन, कौन सी लाइन, ए सी। ये मुझे इसमें प्रूव करना है। तो इस तरह मेरी दोनों थ्योरम्स 8.8 और 8.9 प्रूव हो चुकी है। अब हम चलेंगे बच्चों एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करते हैं। सॉल्यूशन के लिए हम सॉल्यूशन करते हैं इसका, क्वेश्चन का, क्वेश्चन को पहले रीड आउट करते हैं दो बार। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, ए सी इज ए डायगनल सो डेट एस आर पैरेलल ए सी एंड एस आर इक्वल टू 1/2 ए सी। तो सबसे पहले हम कौन से फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन में क्या है, क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ए एस इक्वल टू डी एस, डी आर इक्वल टू सी आर, सी क्यू इक्वल टू बी क्यू एंड ए पी इक्वल टू बी पी। क्योंकि क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ए बी बी सी सी डी एंड डी ए के मिड पॉइंट है पी क्यू आर एंड एस। अभी हम ले लेते हैं ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी की बात करते हैं, तो ए डी सी की बात करते हैं हम, तो क्या था एस आर इक्वल टू ए सी, एस आर इक्वल टू ए सी क्यों, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाई मिड पॉइंट थ्योरम से एस आर इक्वल टू ए सी आ जाता है और एस आर इक्वल टू 1/2 ए सी। ये भी किससे, बाई एम पी थ्योरम, मिड पॉइंट को मैं एम पी लिख रहा हूँ, एम पी थ्योरम। तो हमारा पहला प्रूफ हो गया। अब सेकंड के प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं, इसको लिख लेते हैं हम इक्वेशन वन। सेकंड में लेते हैं हम ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या पी क्यू पैरेलल ए, पी क्यू पैरेलल ए सी एंड पी
क्यू इक्वल टू वन अपॉन टू ए सी, ये किससे है, बाई एम पी थ्योरम। इसको मैंने सेकंड लिख लिया। तो इस पी क्यू पैरेलल ए सी, पी क्यू पैरेलल ए सी एंड पी क्यू एंड एस आर पैरेलल ए सी, एस आर पैरेलल ए सी, ये मेरा प्रूव हो चुका है। अब मैं अगर फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू से लिख सकता हूँ, इक्वेशन वन और टू से क्या लिख सकता हूँ मैं बच्चों, मैं लिख सकता हूँ एस आर इक्वल टू पी क्यू, एस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा पी क्यू, किससे, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से आ जाएगा एस आर इक्वल टू, एस आर इक्वल टू पी क्यू, क्योंकि ये और ये क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। और अगर मैं ये यहाँ पर आऊँ, मैं थर्ड की तरफ बढ़ूँ, तो इस पी क्यू पैरेलल ए सी एंड एस आर पैरेलल ए सी, एस क्यू पैरेलल ए सी, इससे मैं बोल सकता हूँ पी क्यू पैरेलल एस, पी क्यू पैरेलल एस आर, पी क्यू पैरेलल एस आर। तो पी क्यू पैरेलल एस आर एंड पी क्यू इक्वल टू एस आर, यानी कि अपोजिट साइड पैरेलल भी है किसी भी, ये क्या है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस जो क्वाड्रिलेटरल है इसकी अपोजिट साइड क्या है, अपोजिट साइड क्या है पैरेलल एंड इक्वल, देन वी कैन से पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। बच्चों बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है और बड़े इंटरेस्टेड तरीके से हम इसे करेंगे। सबसे पहले रीड आउट करते हैं क्वेश्चन टू का स्टेटमेंट, ए बी सी डी इज ए रोम्बस एंड पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली सो डेट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। सबसे पहले क्या है, ए बी सी डी इज ए रोम्बस, तो मैं एक फिगर बना देता हूँ ए बी सी डी की, जो कि क्या है बच्चों रोम्बस है, क्या है ये रोम्बस, ए बी सी डी रोम्बस है, ओके। पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ए बी पर पी, बी सी पर क्यू, सी डी पर आर और डी ए पर एस, क्या इसके मिड पॉइंट है। और अगर मैं इनको ज्वाइन कर देता हूँ पी क्यू आर एस को, मैं अगर इनको सबको ज्वाइन कर देता हूँ, तो मुझे प्रूव करना है जो पी क्यू आर एस है ये क्या है रेक्टेंगल है, ये क्या है रेक्टेंगल है। तो अभी मैं क्या करता हूँ ए और सी को ज्वाइन कर देता हूँ, ए और सी को, तो ये ए सी क्या हो गया डायगनल ऑफ रोम्बस ए बी सी डी, और डी बी भी क्या हो गया, ये हो गया डायगनल ऑफ रोम्बस ए बी सी डी। तो अभी हम बच्चों लेते हैं, इसमें हम इस वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं, किसको, इस वाले ट्रायंगल को, किसको ट्रायंगल को लेते हैं ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी डी इन ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि इस ट्रायंगल में लेते हैं। तो इस ट्रायंगल में क्या है पी एंड क्यू क्या है आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली, तो बाई मिड पॉइंट थ्योरम से बोल सकता हूँ मैं पी क्यू पैरेलल ए सी और पी क्यू इक्वल टू वन अपॉन टू ए सी, कहाँ से आया बच्चों ये आ गया बाई मिड पॉइंट एम पी थ्योरम, जो हमने प्रूव करी थी अपने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में ही, ओके। अब मैं लेता हूँ इन ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल को ए डी सी, ए डी सी को विजुलाइज करो कहाँ पर है ट्रायंगल, ये है हमारा ए डी सी, ए
डी और सी, ये हमारा ए डी सी है। ए डी सी में क्या है, ए डी सी में एस आर पैरेलल ए सी, कहाँ से, बाई एम पी थ्योरम। तो इसमें क्या हो जाएगा, एस आर इक्वल टू वन अपॉन टू ए सी। अभी मैं इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू से ये बोल सकता हूँ पी क्यू इक्वल टू एस आर एंड पी क्यू पैरेलल ए सी, मैं ये प्रूव कर सकता हूँ। अभी क्या, अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जब किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है तो हम क्या बोल सकते हैं उसको, पैरेललोग्राम। तो इसलिए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, इसलिए क्या हो गया बच्चों, पैरेललोग्राम हो गया, और पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। और ये क्या दिया हुआ है हमारा, हमारा क्या है, ए बी सी डी क्या है, रोम्बस इज ए रोम्बस। रोम्बस की क्या होती है, सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो हम लिख सकते हैं रोम्बस में ए बी इक्वल टू बी सी, तो इसका हाफ भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और इसका हाफ क्या होता है बच्चों, ए बी का हाफ पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू। तो यहाँ से क्या आ गया मेरा, पी बी इक्वल टू बी क्यू, यानी कि ये पी बी इक्वल टू हो गया मेरा बी क्यू। तो पी बी इक्वल टू बी क्यू हो गया, और इस तरह ही मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, अगर मैं ये लेके चलूँगा यहाँ पर ए बी और ए डी, इस तरह हो जाएगा मेरा बच्चों ए पी इक्वल टू एस ए, ये आ जाएगा। सिमिलरली ये भी इस तरह आ जाएगा। तो ये मेरी, अगर मेरी ये साइड क्या है, एक ट्रायंगल है और उसकी दो साइड क्या है, इक्वल है, तो वो कौन सा होता है, आइसोसेलस ट्रायंगल। तो इसके अकॉर्डिंग इसके जो अपोजिट साइड का एंगल है वो, और इस साइड के अपोजिट का एंगल, ये क्या हो जाएंगे मेरे, इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, तो मेरा हो जाएगा इक्वल हो जाएंगे। तो मेरे साइड की ये हो गया, तो मैं कर सकता हूँ एंगल बी पी क्यू इक्वल टू एंगल बी क्यू पी, क्या बाई आइसोसेलस ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल के आधार पे मैं ये बोल सकता हूँ। इसको लिख दूंगा मैं इक्वेशन नंबर थ्री, इसका नाम दे देता हूँ, ठीक है बच्चों। अभी मैं चलता हूँ, मैं ये कोशिश करता हूँ तो कि ए पी क्या है, यहाँ पर क्या है ए पी, यहाँ पर मैं देखूँगा अगर ए पी किसके बराबर हो जाएगी, पी बी के। तो मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पर, यहाँ थोड़ा सा बोर्ड खाली है, यहाँ पर लिखते हैं ए पी इक्वल टू पी बी, ए पी इक्वल टू पी बी। और पी एस क्या है हमारा, हमारा क्या है बच्चों, पी एस क्या है, पी एस इक्वल टू आर क्यू। ये कहाँ से आया है, क्योंकि पैरेललोग्राम प्रूफ हो चुका है, ये क्या हो चुका है हमारा, पी एस इक्वल टू आर क्यू आ गया पैरेललोग्राम। तो हमारा ये भी बराबर आ गया, और हमारा ये क्या है, और ये साइड भी क्या है हमारी, ये भी बराबर है। तो हमारी क्या है, हमारी बच्चों ए एस इक्वल टू हो जाएगी बी पी के बराबर, बी क्यू के बराबर। तो बाई ट्रिपल एस मैं बोल सकता हूँ ट्रायंगल ए पी एस कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल सी क्यू आर बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंस रूल। तो इससे अगर मैं बोलूँगा तो बाई सी पी सी टी क्या लिख सकते हैं हम, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल बाई सी पी सी टी क्या होगा, इक्वल हो गया। तो क्या हो गया बच्चों, ट्रायंगल ए पी सी इक्वल ट्रायंगल सी क्यू आर, किससे, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। अब देखो बच्चों, अब हम करते हैं यहाँ पर क्या बन रहा हमारा, एक लीनियर पेयर, क्या है ये, लीनियर पेयर। तो मैं इस लीनियर पेयर से लिख सकता हूँ
एंगल ए पी बी प्लस एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल क्यू क्यू पी बी, ये किसके बराबर हो गए 180 डिग्री। ये आगे मेरी इक्वेशन नंबर ए लिख दिया, इसको इक्वेशन नंबर एक्स लिख देता हूँ मैं, चलो इसको। और अभी मैं इस लाइन पर देखता हूँ, इस वाली लाइन पर, यहाँ पर भी क्या है लीनियर पेयर, तो यहाँ पर लीनियर पेयर में मैं देखूँगा, अगर मैं लिखूँगा एंगल बी क्यू पी प्लस एंगल हो जाएगा मेरा पी क्यू आर और प्लस एंगल हो जाएगा मेरा सी क्यू आर 180 डिग्री। ये होगी मेरी वाई इक्वेशन, इक्वेशन वाई, इक्वेशन एक्स एंड इक्वेशन वाई से बोल सकता हूँ मैं, ये क्या हो जाएंगे सब क्रॉस हो जाएंगे, तो मेरा क्या बच जाएगा एंगल, तो यहाँ से आ जाएगा मेरा एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180। ओके, और एस कहाँ पर आया बच्चा, एस पी क्यू, एस पी क्यू और पी क्यू आर, पी क्यू पी क्यू आर 180। और अगर ये क्या है मेरे इंटरनल एंगल्स है, और यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आता है मेरा, यहाँ से आ जाता है मेरा एस पी क्यू इक्वल टू पी क्यू आर प्रूफ हो जाता है फ्रॉम इक्वेशन एक्स एंड वाई से, एक्स एंड वाई से प्रूफ हो जाता है मेरा एंगल एस पी क्यू, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेरा हो गया प्रूफ इक्वल। और अब मैं लिख सकता हूँ एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री लिखता हूँ, क्योंकि ये क्या है को इंटीरियर एंगल्स, तो एस पी इक्वल टू क्या प्रूफ हो गया इक्वल टू पी क्यू आर, तो एंगल टू एस पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल एस पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या होगा मेरा एक एंगल क्या होगा इसमें 90 डिग्री, जब मेरा एक एंगल 90 डिग्री हो गए प्रूफ हो गया, तो ये कंपाइल करेगा सारे ही एंगल इस तरह क्या हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएंगे, और मैं इस तरह सिमिलरली कह सकता हूँ कि इसके ईच एंगल क्या होंगे 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा जब ईच एंगल 90 डिग्री होंगे और अपोजिट साइड्स क्या होंगे इसकी इक्वल होंगी, तो मैं लिख सकता हूँ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल, इज ए रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर थ्री, जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लिया गया है, इसका स्टेटमेंट हम रीड आउट करते हैं। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल एंड पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली सो डैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। तो ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है ये बताया हमें, तो हम फिगर बना लेते हैं इसकी, ए बी सी डी, ये ए बी सी डी ये एक रेक्टेंगल है, और पी क्यू आर एस क्या है मिड पॉइंट है, ए बी पर पी, बी सी पर क्यू और सी डी पर बच्चों आर और डी ए पर एस। अब इनको मैं एक दूसरे से ज्वाइन कर देता हूँ, इनको एक दूसरे से क्या कर देते हैं बच्चों, ज्वाइन कर देते हैं। तो अब ये क्वेश्चन बोलता है जो ये ज्वाइन करने के बाद हमारी फिगर आती है क्वाड्रिलेटरल की, ये पी क्यू आर एस रोम्बस होना चाहिए। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम करते हैं लेट अस ज्वाइन अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल ए एंड सी, ए एंड सी को क्या कर दिया मैंने ज्वाइन कर दिया, ए एंड सी, एंड ज्वाइन कर देता हूं मैं अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल बी और डी,
बी एंड डी, तो ए सी एंड बी डी आर द डायगनल ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, रेक्टेंगल ए बी सी डी के डायगनल है। ओके, अभी मैं लेता हूँ इस ट्रायंगल के लिए चलता हूँ, मैं ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ इसमें से, ये वाला ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में देखते हैं हम क्या देखते हैं बच्चों, पी क्यू पैरेलल ए सी, पी क्यू पैरेलल ए सी एंड पी क्यू इक्वल टू वन अपॉन टू ए सी, कहाँ से आ रहा कि कैसे लिख दिया मैंने, मिड पॉइंट थ्योरम बाई एम पी थ्योरम से मैंने ये बोल दिया। और अभी मैं करता हूँ इन ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी यानी कि इस वाले ट्रायंगल में, ए डी सी इस वाले ट्रायंगल में लेकर चलता हूँ मैं, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में लेता हूँ तो क्या होता है बच्चों, आर एस पैरेलल टू ए सी एंड आर एस इक्वल टू वन अपॉन टू ए सी, ये हो गया मेरा सेकेंड। तो इससे क्या कह सकता हूं मैं, इससे पी क्यू, पी क्यू पैरेलल आर एस एंड पी क्यू इक्वल टू आर एस, ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर थर्ड, पी क्यू इक्वल टू आर एस। अब सिमिलरली मैं इस पर देखता हूं बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, मैं बढ़ता हूं ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी में क्या कह सकता हूं बच्चों मैं, पी एस पैरेलल किसके, बी डी एंड पी एस इक्वल टू वन अपॉन टू बी डी, ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर फोर। अभी मैं ए सी इक्वल टू बी डी, यानी कि रेक्टेंगल के जो डायगनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, डायगनल्स ऑफ ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी आर इक्वल। तो यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं, इसको पी एस को लिख सकता हूँ मैं वन अपॉन टू ए सी, ये होगी मेरी इक्वेशन फाइव। अब पी एस इक्वल टू वन अपॉन टू ए सी, और यहाँ पर देखूँगा मैं आर एस इक्वल टू वन अपॉन टू ए सी, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन फिफ्थ वी कैन से पी एस इक्वल टू क्यू आर, और पी एस और क्यू आर क्या है, एडजेसेंट साइड ऑफ पी एस एंड क्यू आर द एडजेसेंट साइड ऑफ पी क्यू आर एस, और यदि दो एडजेसेंट साइड किसी भी क्वाड्रेटरल की इक्वल होती है तो हम कह सकते हैं वो क्वाड्रेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल रोम्बस, तो हेंसी हम कह सकते हैं पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस, क्या है रोम्बस। बच्चों आपको बड़े सुंदर से नोट्स पीडीएफ डिस्क्रिप्शन लिंक में अवेलेबल हो जाएंगे, आप जो मैं बोल रहा हूँ अगर आप लिख सकते हो तो लिख लीजिए, अदरवाइज सब कुछ लिखा हुआ आपको सुंदर से नोट्स के साथ डिस्क्रिप्शन लिंक में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर को सबसे पहले मैं रीड आउट करूँगा, ए बी सी डी इज ए टेपोजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी, टेपोजियम में क्या होती है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, बी डी इज ए डायगनल एंड इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, इज द मिड पॉइंट ऑफ ए, ए लाइन इज ड्रावन थ्रो ई पैरेलल टू ए बी इंटरसेक्ट बी सी, इंटरसेक्ट बी सी एट एफ सो डैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पर ई एफ
इंटरसेक्ट करती है किसको, इंटरसेक्ट बीडी, बीडी कहां पर करती है, एट पॉइंट जी, एट पॉइंट जी यानी कि ये पॉइंट हो गया मेरा जी। और इन टेपोजियम, टेपोजियम में हम बोल सकते हैं ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल डी सी। और यदि इफ ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में बात करता हूं मैं, और ई इज द मिड पॉइंट ऑन साइड ए डी, तो बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम मैं कह सकता हूं जी इज द मिड पॉइंट, जी इज द मिड पॉइंट ऑन ट्रायंगल साइड बी डी। किससे बोल सकता हूं मैं, तो हम बोल सकते हैं जी डी इक्वल टू जी बी बाई कन्वर्स ऑफ एम पी थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ एम पी थ्योरम। अभी हम देखेंगे क्या है, यहां लिखेंगे जी इज द मिड पॉइंट, जी इज द मिड पॉइंट ऑन साइड बी डी। तो अभी हमें यूज करूंगा इन ट्रायंगल बी डी सी, इन ट्रायंगल बी डी सी, तो इन ट्रायंगल बी डी सी में बोल सकता हूं मैं एफ इज द मिड पॉइंट ऑन साइड, साइड एफ, साइड सी बी, ऑन साइड सी बी, किससे, कन्वर्स एम पी थ्योरम। तो हम क्या कर सकते हैं, तो एफ इज द मिड पॉइंट ऑन साइड सी बी बाय कन्वर्स एम पी थ्योरम। तो ये मेरा क्या हो गया, प्रूव हो गया। इसमें क्या है, दोनों बार मैंने कौन सी थ्योरम यूज करी, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज किया मैंने, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करकर। सबसे पहले मैंने ट्रायंगल ए बी सी डी लिया, मुझे ये बताया, मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि ई मिड पॉइंट है साइड ए डी पर, तो बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम मैं बोल सकता हूं कि ई जी पैरेलल टू ए बी एंड जी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी डी। अब ये प्रूफ हो चुका है कि जी क्या है, मिड पॉइंट है साइड बी डी पर। अब मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया, इस वाला ट्रायंगल, तो इस वाला ट्रायंगल में अगर मैं जी को एफ से मिलाऊंगा, जी को एफ से जॉइंट करता हूं, तो बाई कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम जी एफ पैरेलल टू डी सी एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑन बी सी साइड ऑफ ट्रायंगल। और ये ही मुझे इसमें प्रूव करना था, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ रिवर्स और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके इस स्टेटमेंट को हमने प्रूव कर दिया। जो क्वेश्चन नंबर 5 जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही लिया गया है, इसको हम रीड आउट करते हैं पहले। इन ए पैरेलोग्राम ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है, पैरेलोग्राम, जिसमें ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली, सो डैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगनल। तो बच्चों क्या प्रूव करना है, इसमें प्रूव करना है हमें डी पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, यानी कि ये जो डायगनल है ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो रहा, थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है, ये हमें करना है, सो करना है। ये क्या करना है बच्चों में, सो करना है।
तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया, गिवन इन क्वेश्चन में देखेंगे हम, एफ एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑन साइड डी सी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली, ये दिया हुआ है हमें, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है हमारा पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम में कर सकते हैं हम, पैरेललोग्राम में क्या होता है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं, तो हम कह सकते हैं ए बी पैरेलल सी डी, जब ए बी पैरेलल सी डी है तो हमारा एफ सी और ए ई भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, तो हैं सी ए ई पैरेलल क्या हो जाएगा बच्चों, एफ सी, ठीक है, तो ए बी पैरेलल सी डी, हैं सी ए ई पैरेलल एफ सी, तो अपोजिट साइड कौन सी है इसकी, ए बी इक्वल टू कौन सी, ए बी इक्वल टू डी सी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ ए बी इक्वल टू हाफ डी सी, हाफ ए बी क्या हो जाएगी इसकी, ए ई, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है ए इक्वल टू ई बी, तो ये हाफ हो जाएगा इसका, ए ई इक्वल टू एफ सी, तो यहाँ पर क्या प्रूफ होगा, ए ई इक्वल टू एफ सी, क्यों, क्योंकि ई एंड एफ इज आर द मिड पॉइंट ऑन ए बी एंड साइड सी डी, तो ये ए ई और एफ सी क्या होगा, ए ई और एफ सी इक्वल हो गए और पैरेलल भी हो गए, अपोजिट साइड क्या होगी इसकी, अपोजिट साइड क्या होगी इसकी बच्चों, इक्वल एंड पैरेलल, तो मैं बोल सकता हूँ ट्रायंगल ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम। अभी हम चलते हैं यहाँ पर इस ट्रायंगल को लेते हैं हम, किसको, इस ट्रायंगल को ले लेता हूँ, इन ट्रायंगल डी क्यू सी, डी क्यू सी में क्या दिया हुआ है हमें, एफ इज द मिड पॉइंट ऑन वन साइड बी डी सी ऑफ ट्रायंगल, तो मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ बच्चों, मैं बाई कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम डी पी इक्वल टू क्यू पी, किससे, बाई कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। अब इस तरह ही मैं इस वाले ट्रायंगल को उठाऊंगा, यहाँ से इस वाले ट्रायंगल को ले सकता हूँ, इन ट्रायंगल बी ए पी में क्या है, ई क्या है, ई इज द मिड पॉइंट ऑन साइड ए बी ऑफ ट्रायंगल ए बी पी, तो इस बेस पर मैं कह सकता हूँ क्यू बी इक्वल टू पी क्यू। अब इस वाले इक्वेशन वन और ये वाली इक्वेशन लिख दिया मैंने इक्वेशन टू, तो दोनों इक्वेशन के बेस पर मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकते हैं बच्चे, हम कह सकते हैं हम डी पी इक्वल टू क्यू पी इक्वल टू क्यू बी, ये प्रूफ हो गया है हमारा इन दोनों के बेस पर, तो डी पी इक्वल टू क्यू पी एंड क्यू बी से क्या कह सकता हूँ मैं, ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगनल बी डी, तो यहाँ से प्रूफ होता है हमारा ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगनल बी डी, ये करते हैं ट्राइसेक्ट डायगनल बी डी को, इस तरह हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज 8.2 का और क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का भी। ए बी सी इज ए ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट सी,
align through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC, intersect AC at D so that. इसमें क्या है, स्टेटमेंट दिया है, फिगर भी हमको खुद इमेजिनेशन करके खुद ही बनानी है. तो क्या कि ए बी सी एक ट्रेंगल दिया है जिसको राइट एंगल किया है सी पर. तो बच्चों मैं यहां पर एक ए बी सी ट्रेंगल बना लेता हूं, ए ए बी सी क्या एक ट्रेंगल है जिसको कहां पर हमने राइट एंगल किया है सी पर. ए बी सी एक ट्रेंगल है इसको राइट एंगल किया यहां पर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. अभी दूसरा दिया है ए लाइन थ्रो द मिड पॉइंट एम. ए बी क्या है, हाइपोटेनियस है किसका, ए बी सी डी का, और मिड पॉइंट है इसका एम. एम पर क्या कर दिया है, एम क्या, एम क्या है इसका मिड पॉइंट, एम है इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट है. एंड पैरेलल टू बी सी, जो मिड पॉइंट से ये कह रहा है एम ऑफ द हाइपोटेनियस ए बी एंड पैरेलल टू बी सी, पैरेलल टू क्या कर दिया है इसको, बी सी पर पैरेलल कर दिया है. और ये जो पैरेलल करा टू बी सी पर इंटरसेक्ट करता है ए सी को डी पर, ए सी को किस पर करता है इंटरसेक्ट, डी पर एट डी, सो डेट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये बोलता है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. अभी देखते हैं, मैं बोलता हूं इन ट्रेंगल ए सी बी, इन ट्रेंगल ए सी बी की मैं बात करता हूँ, ठीक है. अभी इस ट्रेंगल की बात करते हैं, तो ये क्या है, एम गिवन क्या है, एम इज द मिड पॉइंट ऑन साइड ए बी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये है क्वेश्चन में गिवन. तो बाई कन्वर्स थ्योरम, बाई कन्वर्स एम पी थ्योरम, मैं कह सकता हूं डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. किससे कह सकता हूं मैं, बाई कन्वर्स एम पी थ्योरम, बाई कन्वर्स एम पी थ्योरम से मैं कह सकता हूं डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. ओके और सेकंड है मेरा ये क्या है, मेरा इसमें दिया है कि ए बी आर पैरेलल टू बी सी, हाइपोटेनियस ए बी, ये जो एम है, जो एम डी है, ये दिया है मेरा एम डी पैरेलल टू बी सी, ये क्वेश्चन में गिवन है. और ए सी इज द क्या है, ए सी इज ए ट्रांसवर्सल, ए सी इज ए ट्रांसवर्सल, ए सी इज ए ट्रांसवर्सल. तो मैं यहां से लिख सकता हूं मैं एंगल एम डी ए प्लस एंगल एम डी सी इक्वल टू 180 डिग्री, किस कहां से, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल से मैं ये बोल सकता हूँ. अभी ये क्या दिया है बच्चों मुझे, ये दिया है मेरा 90, ये कितना है, ये क्वेश्चन में दिया है 90 डिग्री, कौन सा दिया है ई सी एम डी सी, एम डी सी, और ये क्या है मेरा डी सी, नहीं ये लिख, ये सॉरी ये लिख देंगे हम इसको, ये लिखेंगे एंगल एम डी सी प्लस एंगल डी सी बी 180 डिग्री. अभी मेरा डी सी बी क्या है 90 डिग्री, तो एंगल एम डी सी प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल एम डी सी इक्वल टू होगा 90 डिग्री. तो यहाँ से क्या आ गया मेरा, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एम डी पैरेलल टू ए सी, एम डी पैरेलल टू ए सी, ये मेरा प्रूफ हो गया. अब नंबर थर्ड जो पार्ट है क्वेश्चन 6 का, उसकी तरफ हम एंट्री करते हैं. अभी हम क्या करते हैं, बाई कंस्ट्रक्शन हम ये कर देते हैं, इसको M को C से ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन M टू C, ज्वाइन M टू C. सो इन ट्रायंगल ए डी एम एंड
ट्रायंगल एम डी सी की बात करेंगे हम। तो ए डी इक्वल टू डी सी प्रूव्ड हो चुका है किसमें, प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन सिक्स। और एम डी क्या है, एम डी इज द क्या है, एम डी इक्वल टू एम टी कॉमन, एम डी इक्वल टू एम डी क्या है, कॉमन है, कॉमन है बोथ ट्रायंगल्स में। और एंगल एम डी ए इक्वल टू एंगल एम डी सी, तो ये हमारा ये और ये इक्वल है, ये दोनों में कॉमन है और ये क्या है, इक्वल एंगल है। तो इससे लिख सकता हूँ मैं ट्रायंगल ए डी एम कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल एम डी सी बाई एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल। सी एम इक्वल टू एम ए, सी एम इक्वल टू एम ए क्या, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। और एम ए, एम ए इक्वल टू क्या है बच्चों, एम ए इक्वल टू एम बी, ये क्या है गिवन इन क्वेश्चन। तो एम ए प्लस एम बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी। तो एम ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर ले लेता हूँ इसको, एम ए को लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ बच्चे, टू एम ए इक्वल टू ए बी, एम ए इक्वल टू वन अपॉन टू ए बी। इस तरह हमारा ये भी प्रूफ हो गया। और इस प्रूफ के साथ ही क्वाड्रिलेटरल चैप्टर कम्प्लीटली समाप्त हो गया है। अब मैं इसके बाद आपको जो बोर्ड्स, जो स्कूल एग्जाम्स में क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, अगली वीडियो में उनका सॉल्यूशन दूंगा।